आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो अभी, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा, और एक बहुत मिस्टीरियस, आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना कि ये इंसान को पता नहीं चल रहा कि आप क्या चाहते हो, बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो आप कब। नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। मेरा गला आज बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, तो इसलिए हम आज ज़रूर चेक करेंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। 24 आवर्स में कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं, और 24 आवर्स मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स तक उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, और कोई एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं या नहीं, कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बीच में हो सकती है क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत डाउन है आज, और आज मैं रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने दो तीन दिन से करंट एनर्जी पे वीडियो पोस्ट नहीं की थी, और मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं आज किसी तरह से हिम्मत करके वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। कल का मुझे नहीं पता कि मैं पोस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। यस, इस रीडिंग पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, और एक्शन क्या लेंगे वो, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखें। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए सब कुछ आपके साथ मैच करिए ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी एनर्जी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को बता सकती है कि ये हो सकती हैं चीज़ें। जो आपकी डेस्टिनी होती है वो हमेशा कर्मा डिसाइड करती है और डिवाइन डिसाइड करती है कि क्या आपकी डेस्टिनी में आपको देना है, ठीक है। एज गाइडेंस इसे देखें, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि आप इस रीडिंग से पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। अच्छा, फिर से जो है कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मेरी रीडिंग कर दीजिए, और कैसे कांटेक्ट करूं और क्या करूं, मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कांटेक्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने रिलेशन को लेके, तो अदरवाइज़ तो हम लोग करते ही हैं डेली करंट एनर्जी, तो बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब पे। आपको बहुत अगर कन्फ्यूजन है, अगर कोई क्लियरिटी चाहिए तो आप रीडिंग बुक करें, और रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप वहां से बुक कर सकते हैं। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि दो दिन कम से कम रीडिंग बुक ना करें, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है बहुत डाउन है और मैं और एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर पाऊँगी इस पर। दो दिन के लिए कोई भी प्लीज़ पेमेंट ना करें या फिर रीडिंग बुक ना करें, ठीक है। जो लोग पहले से भी कांटेक्ट किए हैं मुझसे, जिनको मैंने डिटेल्स दे दिए हैं ऑलरेडी, वो भी अभी दो दिन कम से कम रीडिंग बुक ना करें। मैं थोड़ा ठीक जब हो जाऊंगी तो मैं बोलूंगी आप लोगों को, उसके बाद आप पेमेंट करना, ठीक है। सो यस, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, करंट फीलिंग क्या है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग क्या रहेगी, और एक्शन वो क्या लेंगे डिवाइन मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। एक्सक्यूज मी प्लीज, डिवाइन प्लीज गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग क्या होगी, प्लीज गाइड, क्या एक्शन वो लेंगे। One more time, please. Okay, strategy बना रहे हैं, कुछ तो strategy चल रही है दिमाग में, कुछ तो planning, plotting चल रही है, साम दाम दंड भेद। ऑफर लेके आने का मन तो है कूद काट के आपकी तरफ, ठीक है। फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली एनर्जी। ऐसी एनर्जी तो है कि आ जाए कूद काट के कहीं से भी। वाह, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
फिर वही किंग वाली एनर्जी है। एक्शन डिवाइन, हे सिक्स ऑफ कप्स, 24 आवर्स में सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक भी द वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा यू नो पॉजिटिव हो रहे हैं अब, और रीयूनियन के बारे में बहुत यू नो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, आप लोगों को पता चला होगा कि आपके पार्टनर क्यों रन करते हैं, क्या है उनके पीछे का रीज़न। हमेशा रीज़न को फाइंड कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कहाँ है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे ना तो आपको जड़ से आप प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे, वो ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा है, भगवान हमें मिला दो, ये सबसे नहीं होता है रियूनियन, ठीक है। मेरी बात समझिए, पूरा फोकस अपनी तरफ रखिए। अब रीडिंग पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये है कि आप अपना फ़ोन पकड़ के बैठ जाएँ, बार बार उनको स्टॉक करें, बार बार उनको देखें क्यों क्या कर रहे हैं, भूल जाइए उनको। जब आपकी एनर्जी वैसी होगी तभी वो आएंगे आपके पास, और जिन लोगों की एनर्जी वैसी होगी उनके पास ही उनके पार्टनर वापस आएंगे, ठीक है। सो जैसे ही रियूनियन आता है स्प्रेड में, तो यू नो बहुत सारे लोग जो बैलेंस नहीं है, जो इम्बैलेंस है अभी भी, वो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि 24 आवर्स में अगर नहीं आया कोई कॉल मैसेज तो खुद से कर लेंगे। आप खुद से करोगे तो आपके पार्टनर फिर से ज़ीरो में आ जाएंगे, जो साइकिल जो स्टार्ट हुआ था ना फिर से ज़ीरो में आके ख़त्म होगा, ठीक है। सो वेट करें पेशेंसली और अपने ऊपर फोकस होएं, अपने ऊपर, यही है इसका यू नो ऑब्स्टिकल। आपके जो रियूनियन में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप इनके ऊपर सब फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस करें, तभी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और जिन लोगों की एनर्जी हाई प्रिस्टस की होगी उनके पार्टनर ही वापस आएंगे, इतना भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। और सबकी एनर्जी होगी भी नहीं ऐसे, मैं इतना ही बता दे रही हूँ मैं। अब हाई प्रिस्टस की एनर्जी मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगी कि क्या है हाई प्रिस्टस की एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ गाइड। अब आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। आज मुझे मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी आज तो मैं बहुत पहले ज्ञान दे चुकी हूँ। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कैसे रहना है। बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक ना करें, फ़ोन बार बार नहीं देखें कि अभी तक मैसेज नहीं आया, 24 आवर्स में यू नो आना था नहीं आया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। एक्सप्रेस योर लव, जब आपके पार्टनर आएँ और अपना प्यार जब एक्सप्रेस करें तब आप एक्सप्रेस करना, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओहो, देखिए, लीव योर पैशन, ठीक है। अपने पैशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली पे, अपने आप पे जब आप फोकस करते हैं तब आपकी एनर्जी होती है हाई प्रिस्टस की। किड्स तो यहाँ किड्स में भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं पढ़ रहे हैं। मे भी आपके किड्स हो सकते हैं या फिर इनके किड्स हो सकते हैं या फिर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आप लोगों को, जो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी वीडियो कि कैसे उसको हील करना है, ठीक है। पूरी तबीयत मेरी ठीक हो जाए। प्लेयर ऑब्स्टिकल में है, प्लेयर तो इनको लग रहा है या तो आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, तो इनको समझ में आ गया है कि आप ही हैं जो हैं, ले देखिए आप ही हैं वो इंसान। पे अटेंशन टू द साइन, तो आपको भी कुछ साइंस मिल रहे होंगे और इस इंसान को भी कुछ साइंस मिल रहे होंगे। आई एम सो सॉरी अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मेरी आवाज़ से, और मैं यू नो खांस रही हूँ बार बार, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं यू नो मैं रोक नहीं पाई, मुझे लगा कि रीडिंग करनी चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं आप लोग, झेलिए अब आज, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अच्छा साइंस बता देती हूँ आप लोगों को, साइन चाहिए मेरे पार्टनर के, साइन बता दीजिए। ओके, साइन जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कैंसर स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सैटर्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, शनि का दोष जैसे कहते हैं ना वो दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए इनकी बुद्धि कभी कभी ऐसी हो जाती है कि यू नो इनकी बुद्धि या तो ये बहुत स्लो होते हैं
क्योंकि शनि का जब प्रभाव होता है तो लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, स्लो मूविंग हो जाती है उनकी, लेज़ी हो जाते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ना अपने करियर में, ना अपने लाइफ में, ना अपने लव लाइफ में। स्लो एनर्जी होती है शनि की, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, क्योंकि शनि का प्रभाव इनके ऊपर है, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है, ठीक है, अब द वर्ल्ड की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक बिग शिफ्ट आपके लव लाइफ में ज़रूर होने वाला है। बहुत पेशेंस रखिएगा। देखिए आप लोग, मुझे लग रहा है कि एक फेज़ जो आप लोग का, एक साइकिल जो आप लोगों का है, वो कंप्लीट होने वाला है। जो बहुत सेपरेशन में बहुत दिन से हैं, बहुत कुछ नहीं हो रहा है मोमेंट, उनका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अब इम्पेशेंट होकर अगर आप सामने से मैसेज कर दोगे, फिर से आप जीरो में आ जाओगे और फिर से ये साइकिल चलेगा, सेपरेशन उतना ही लंबा चलेगा, ठीक है। या तो फिर आपके पर्सन उस दिन आपसे बात कर लेंगे एक दिन के लिए अच्छे से, और नेक्स्ट डे के लिए फिर आपको नहीं पहचानेंगे वो, या तो, और या तो फिर से आपको वैसे ही हर्ट करेंगे वो, ठीक है। तो एक साइकिल है ये, बहुत कंप्लीट होने वाला, बहुत नियर हैं आप, नियर गोल के एकदम पास हैं आप, तो बहुत पेशेंस रखिएगा। अभी अपनी आपकी एनर्जी में बहुत पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। नाउ आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास बढ़ा जाए, साम दाम दंड भेद हम कहते हैं ना, कि किसी भी तरह से। अब किस तरह से, ऐसा हो सकता है कि पहले ये जो इंसान है पास्ट में कुछ हिंट आपको देते थे, और कुछ हिंट के थ्रू आपको बताते थे कि ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप इनको खुद से ही कॉल मैसेज कर लेते थे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ किसी के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब जो है ये इंसान सामने से हिंट दे रहे होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी होगी अभी कि ये इंसान आए और क्लियरली कहें कि इनको आपसे बात करनी है, या फिर बात करें आपसे आके। अब हिंट से आप नहीं मानोगे, अब आप हिंट से नहीं मानोगे। पहले आप हिंट से मान जाते थे, पहले जब आप ये आपको हिंट देते थे तो आप खुद ही चल जाते थे इनके पास बात करने के लिए, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपको हिंट नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ये इंसान आए सामने से और आपसे बात करे, अगर इनको बात करनी है तो ये मे भी आपको हिंट दे दे कि ये इंसान जो है उनको समझ में आ गया है कि हिंट सब नहीं चलने वाला है, आप वापस आने वाले नहीं हैं, तो ये तरकीब निकाल रहे हैं कि किस तरह से आपके पास जाया जाए। साम दाम दंड भेद, अब कुछ ना कुछ ही अपनाएंगे ऐसा जिससे कि आप तक ये रीच कर पाएँ, इनका ईगो भी हर्ट ना हो, आप इनको रिजेक्ट भी ना कर पाओ। तो कोई बहाना लेके आपके पास आएंगे, कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे जिससे कि आप इनसे, आप ये ना सोचो कि ये आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक बहाना लेके आएंगे कि आपको चेक करने के लिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आप आप इनसे इनको प्यार दिखाओगे अगर आप, तो फिर ये ये दिखाएंगे आपको अपना प्यार, लेकिन ये पहले चेक करेंगे कि आपके दिल में प्यार है या नहीं, क्योंकि इनको डाउट है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आपके दिल में कोई और है, ये नहीं है अब इंसान, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपको चेक किया जाए, क्योंकि हिंट से पहले ये चेक करते थे आपको, और हिंट देते ही आप इनके पास रीच कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपको चेक करेंगे पहले। तो ये एक स्ट्रैटेजी का कार्ड, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। करंट की एनर्जी 24 आवर्स, मैंने बोला ना कि फीलिंग्स क्या होगी, रिएक्शन क्या होंगी, इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये कूद फांद के आपके पास चले जाएं। देखो इनका घोड़ा जो है वो पहाड़ से कूद रहा है, ठीक है, और वो चला भी रहे हैं, मतलब राइड भी कर रहे हैं घोड़े पे, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से गिर जाएंगे नीचे। तो अभी कोई भी एक्शन लेने के लिए इंसान जो है ना रेडी है, मतलब आप तक पहुँचने के लिए इंसान रेडी है, और कुछ भी करके एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक क्विक एक्शन आपके पास लेना चाहते हैं, बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो ये एक एनर्जी ऐसी है कि ये आपके पास इम्पेशेंट है इंसान, बहुत करेजियस हैं, अभी इनको एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन इनको बस एक ही डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दे। देखिए ये कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, ये हज़ारों लोगों का रिजेक्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमेशा इनको हीरो बना के रखा है, इनको आपने बहुत पैम्पर किया है। तो आपकी नज़र में गिर के, आपकी नज़र में आपसे इग्नोर होके, आपसे ये इंसान रिजेक्ट होके, ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, इनके बस की नहीं है, ठीक है। वो तो ये जो इंसान है ये आना ज़रूर चाहते हैं, कूद फांद के एकदम आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये वो एनर्जी है जो फटा पोस्टर निकला हीरो हम कहते हैं ना ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, कहीं से भी कूद फांद के आपकी तरफ आ जाए, ऐसी एक एनर्जी, इम्पेशेंट एनर्जी, बस ये एक्शन लेना चाहते हैं। और जिस दिन आएंगे ना उस दिन बहुत बात करेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत बात करेंगे आपसे, ठीक है, इतना बात करेंगे कि आपको बात नहीं करने देंगे। और यहाँ कोई मुझे ब्लेमिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये एक प्लान कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी ज़रूर कर रहे हैं
आप स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, ठीक है, उनके दिमाग के हिसाब से कुछ भी स्ट्रैटेजी करेंगे वो। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो अभी, और एक फिज़िकल नीड है इनका आपसे, ठीक है, मतलब एक इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा। तो यू नो बहुत ज़्यादा आप उनको अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उनको यू नो एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है ये, और एक बहुत मिस्टीरियस आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना कि ये इंसान को पता नहीं चल रहा कि आप क्या चाहते हो, बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो आप। कभी हो सकता है कि कभी अपना प्यार इनको दिखा रहे हो किसी भी जरिए से, आप अपना स्टेटस लगा के या फिर ना कुछ सॉन्ग पोस्ट करके, कुछ भी किसी भी तरह से आप अपनी एनर्जी को दिखा रहे होंगे, अपना प्यार दिखा रहे होंगे इनको। नेक्स्ट टाइम आप उसको चेंज कर दे रहे हो, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी एनर्जी आखिर है क्या, आपके दिल में आखिर है क्या, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो आप, ठीक है। आपको भी इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चीज़ क्या हो आप, ठीक है। यही एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यार किसी को दिखा दोगे, नहीं चाहिए किसी को इस दुनिया में, सच में इतना प्यार किसी को नहीं चाहिए होता है। आपको भी कोई अगर ऐसे प्यार करेगा जैसे आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो ना, तो आप भी भागोगे उस इंसान से, ठीक है। और देख लेना, अगर कोई आपके लाइफ में ज़रूर ऐसे इंसान होंगे जो कि आपको वैसे पागलों की तरह प्यार कर रहे होंगे, और आप उनसे रन कर रहे होंगे, और जो आपसे रन कर रहा है आप उनके पीछे रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। तो ये जो इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है इंसान, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि यू नो आप मिले तो आपको यू नो हग करें, किस करें, आपको फील करें, ऐसे बहुत फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, और बहुत अट्रैक्टिव ऑरा है आपका, आपका ऑरा ऐसा है कि सिर्फ ये इंसान नहीं, अभी बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहे होंगे, बहुत आपके यू नो फैन फॉलोवर्स बढ़ रहे होंगे, या फिर बहुत आपके एडमायर्स बढ़ रहे होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये एनर्जी सबसे मैच नहीं करेगी, यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हाई वाइब्रेशन में हैं, जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे, अपने पैशन पे फोकस कर रहे हैं, ये एनर्जी उन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी ऐसी है, हाई प्रिस्टस की एनर्जी जिसकी है, जिनकी है, उनके पार्टनर, बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर 24 आवर्स में या तो आप तक रीच करे, या तो फ़ोन कॉल, कोई कॉल, या फिर कुछ चेंज आप ज़रूर देखोगे अपने पार्टनर में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक हिंट आपको ज़रूर देंगे, या फिर सॉन्ग के थ्रू, या फिर स्टेटस के थ्रू, या फिर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि एक्शन में रीयूनियन का कार्ड है, और करंट की एनर्जी उनकी ये है, ठीक है। ये अगर एक्शन में रहता ना, तो मैं फॉर श्योर बोल सकती थी कि यू नो आपका कॉल मैसेज आएगा ही, अभी भी चांसेस बहुत है, लेकिन ये जो इंसान है एक्शन में रीयूनियन का कार्ड है, और होता है ना नॉस्टैल्जिक फील करना, आपको सोचना बहुत ज़्यादा आपके बारे में, इमेजिनेशन, आपकी छोटी छोटी बातों को याद करेंगे, पहले की बातें आपकी, आपके फ़ोटोज़ को देखेंगे, आपके वीडियोस को देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे, और या फिर आपके घर के आसपास रहते हैं तो टेरेस एंड बालकनी से आपको स्टॉक करेंगे। तो कुछ ऐसी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहेगी, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। तो एक्शन में रीयूनियन का कार्ड है, और प्रेजेंट में एनर्जी उनकी ऐसी कि उनको एक्शन लेना है, एनी हाउ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ ना कुछ एक हिंट इनको कुछ ना कुछ हिंट ये आपको ऐसा ज़रूर देंगे कि आपको ये समझ में आए कि ये इंसान अब आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा हिंट आपको इनसे 24 आवर्स में ज़रूर मिलेगा, अगर कॉल मैसेज नहीं भी मिला तो एक हिंट तो ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहे, ठीक है। ऑब्स्टिकल यहाँ है लॉयल्टी की इशू थी, मे बी ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहे, या इनको ऐसा लगता है कि आप अब लॉयल नहीं हैं, आप जो हैं इनको अब प्यार नहीं करते हैं, अब आपके दिल में कोई और है, क्योंकि यू नो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा है ना, ये बहुत लॉयल, बहुत ग्राउंडेड इंसान है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ना आप इनके साथ अभी लॉयल नहीं है, या तो फिर ये इंसान लॉयल नहीं थे आपके साथ, ये ऑब्स्टिकल हो रहा है उनको आने में, यू नो खुद ही नहीं की शर्म लगती है हमें सामने वाले इंसान को, कैसे फेस करें, क्या बोले उनको कि क्यों उन्होंने किया ये जो हरकतें उन्होंने की, क्यों किया, या फिर क्या रीज़न था आपको हर्ट करने का, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे जिसको कि इनको आंसर करना होगा, और ये उस यू नो उस तरह से इनको थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है कि कैसे क्या बोलेंगे आपको, तो वो एक स्ट्रैटेजी ज़रूर प्लान कर रहे होंगे कि क्या आपको बोलना है, क्यों किया उन्होंने, या फिर क्या रीज़न था, या फिर कुछ एक स्ट्रैटेजी चल रही है इनके दिमाग में, ठीक है।
ऐसा दिख रहा है. सो यस, एक्शन में मुझे रीयूनियन का कार्ड मिला है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है ये, मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है ये. तो बहुत लोग जो हैं जो कि कॉन्टैक्ट में हैं, उनको उनके पार्टनर से कोई कमिटमेंट मिल सकता है, कोई मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है. और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको या तो फ़ोन मैसेज या तो कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे. ठीक है, देखिए, देख रहे हो ना, द वर्ल्ड एंड द डेथ का कार्ड एक साथ आया. एक साइकिल है जो ख़त्म होके ना रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ एक बिग शिफ्ट हो रहा है. ब्यूटीफुल, यू नो, ब्यूटीफुल. कुछ एक साइकिल आपका ख़त्म हुआ है और एक रीस्टार्ट, एक बिग शिफ्ट, एक बिग चेंज, एक हैप्पीनेस, एक सक्सेस, यू नो, बताता है द वर्ल्ड का, वर्ल्ड की एनर्जी. और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग में से बहुत लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर अलग अलग सिटीज़ में है, या फिर अलग अलग देश में है. ठीक है, कोई अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं आप लोग, और या तो फिर अलग अलग सिटीज़ में हैं, या फिर कहीं कुछ ना है, कुछ ना कुछ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ठीक है, ऐसा हो सकता है. बहुत लोग ऑनलाइन मिले हो अपने पार्टनर से, ये हो सकता है, जो कभी अभी तक जो नहीं मिले हैं अपने पार्टनर से, ऐसा भी हो सकता है. तो एक फेज़ का ख़त्म होकर एक न्यू फेज़ का स्टार्ट होना बता रही है पूरी ओवरऑल एनर्जी. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो यही है कि एक रीस्टार्ट हो रहा है आपके लव लाइफ का. ये इंसान जो है ना आपके साथ अपनी सारी विश जो है, इनको लगता है कि आप जब रहते हैं तो इनकी, यू नो, कैसे बताऊँ, मतलब एक विश फुलफिलमेंट हो आप इनके, जैसे भगवान से कुछ मांगा हो, एक गिफ्ट हो आप इनके लिए. ठीक है, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा हो आप इनके लिए. तो जब आप इनके साथ रहते हो तो इनकी एनर्जी अच्छी रहती है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, आप इनको बहुत चढ़ा चढ़ा के रखते हो, हीरो हीरो वाला टाइप, यू नो, किंग की एनर्जी आप इनको दे के रखते हो. तो इन, ये आप बना दिए हो इनको किंग. ठीक है, इतना ज़्यादा पैम्पर आप किए हो अपने पार्टनर को कि वो हीरो बन गए, मतलब हीरो बना दिया आपने उनको. ठीक है, भले हीरो हो चाहे नहीं हो, आपने बना दिया हीरो या हीरोइन. ठीक है, अगर फीमेल है आपकी पार्टनर तो आपने हीरोइन बना दिया उनको, भले वो हो चाहे नहीं हो. नहीं, आपकी नज़र में ज़रूर होंगे, मैं जनरली बोल रही हूँ, जनरल बोल रही हूँ. ठीक है, एक्सप्रेस योर लव. जब आपके पार्टनर आपके पास आए, जब वो रीच करे आप तक, जब वो आपसे बात करना, मतलब आपसे बात करने के लिए जब इनिशिएट करे बात, तब अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस कर सकते हैं आप. अभी मत करना प्लीज़, नहीं तो फिर से ये जो साइकिल जो हुआ ना, जो कंप्लीट हुआ ना, वो फिर से ज़ीरो में आ जाएगा और फिर से सेपरेशन आएगा. ठीक है, तो मत करना ये प्लीज़. अभी आप अपने पैशन पे ध्यान दो. अब ये रीडिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि सब लोग फ़ोन में लग जाएंगे, अभी तक नहीं आया मैसेज, अभी तक नहीं आया, 24 आवर्स होने वाला है. बिल्कुल नहीं करना आपको. भूल जाओ फ़ोन, भूल जाओ अपने पार्टनर को, अपने ऊपर फोकस करो, गाना लगाओ, डांस करो, यू नो, गाने गाओ, कुछ भी करो आप. ठीक है, आप कुछ भी करो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, पार्टी करो, कुछ भी करो आप, बस इनके ऊपर ध्यान मत देना. ठीक है, लीव योर पैशन. देखिए, मैं एक फिर से एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ. ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि सेपरेशन में आपको अपनी क्रिएटिविटी पे क्यों काम करना पड़ता है, आप बहुत जगह ये सुने होंगे कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपने पैशन पे काम करो. क्यों? उसका रीज़न होता है, बहुत बड़ा रीज़न है ये. ठीक है, जिससे कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो हटते हैं. और कैसे हटते हैं वो मैं बताऊँगी, एक वीडियो पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्द, मैं ट्राई कर रही हूँ. और इससे आपको पता चलेगा कि क्यों हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी पे, नो, क्रिएटिविटी पे सबको ही काम करने के लिए आपको बोलेंगे, लेकिन रीज़न नहीं बताता है कोई कि क्यों काम करना होता है क्रिएटिविटी पे. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैशन पे काम करें. मैं पिछले भी एक वीडियो में बोली थी, जब मेरी एनर्जी लो होती है मैं वैसे गाने चुनती हूँ, मैं वैसे गाने को सेलेक्ट करती हूँ. क्लासिकल जो मुझे नहीं आता, क्लासिकल मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मैं वैसे गाने पिक करती हूँ जो मुझे नहीं आता, जिसमें बहुत सरगम होते हैं, मेरी पूरी एनर्जी वहाँ चली जाती है ना, उसको सीखने में. तो होता क्या है, मेरी एनर्जी हाई हो जाती है, और जो मैं गाना जो नहीं गा पा रही हूँ वो भी मैं सीख जाती हूँ. तो इस तरह का कुछ करें जिससे कि आप इम्प्रूव करें, और वो टाइम जो है, हार्ड टाइम आपका है, वो आपका निकल जाए. ठीक है, आप दोनों के बीच किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड वुंड है जो कि हील होनी चाहिए. ठीक है, ये भी मैं वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए, फॉर श्योर. इनको लग रहा है कि आप जो है किसी और से चैट कर रहे हैं, आपके दिल में कोई और है अभी, आप किसी और को चांस दे रहे हो अभी, ऐसा लग रहा है इनको. ठीक है, तो आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो, दूसरों को टाइम दे रहे हो, आप लॉयल नहीं हैं अब आपके दिल में ये इंसान नहीं है. तो इनको बहुत सारी ऐसी, यू नो, इल्यूजन्स बहुत हो रहे हैं कि मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत मिस्टीरियस आप बिहेव कर रहे हो. तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि, यू नो, आप बहुत खुश भी दिख रहे हो और कभी कभी आप दुखी दिखते होंगे. तो इनको समझ में नहीं आ रही है कि इनके लिए दुखी हो आप, या फिर किसी और के लिए दुखी हो. खुश हो तो किसके लिए खुश हो, ठीक है, ये तो आपकी लाइफ में नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देखकर. ठीक है, सेपरेशन में इनको ये समझ में आया कि आपके साथ इनका कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर है जो कि अनब्रेकेबल है, जो कि नहीं टूट सकता है. और ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते हैं. आपके साथ ये जो खुशियाँ फील करते हैं, आपके साथ ये जो फुलफिलमेंट फील करते हैं, आपके साथ जो सुकून ये फील करते हैं, इनको और किसी के साथ फील नहीं होती है, ना हुई है.
ठीक है, तो इनको ये समझ में आया कि नहीं, आपके पास ही है सुकून, जो है वो आपके पास ही है, मतलब आपके पास आने पे ही इनकी ज़िंदगी जो है वो ट्रैक पे रहेगी। और ये जो है फिर से हीरो जैसे पैम्पर करोगे आप इनको, फिर से आप इनको किंग बनाओगे, तो इसलिए जो है ये इंसान, इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ इनका ज़रूर है। आप ट्विन फ्लेम ये जानते हैं कि नहीं जानते, आई डोंट नो, और आप में से सब जो देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम है, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, लेकिन यस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम ज़रूर हैं, और कुछ लोग जो हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होता है, तभी आप इतना ज़्यादा फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे है, तो ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत लोगों का। पे अटेंशन टू द साइन, तो ये इंसान जो हैं इनको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे, आपको अपने आसपास आपकी एनर्जी को फील कर रहे होंगे, आपके नाम के इनिशियल्स इनको बहुत दिख रहे होंगे, आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मिरर सेल्फ है यहाँ पे। देखिए फिर से फ्लर्ट आया है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं किसी और से अब बिजी हैं, आप इनको अब मौका नहीं दोगे, इसलिए डायरेक्ट आपके पास आने में डर रहे हैं। इनको स्टेबिलिटी चाहिए बहुत स्ट्रांगली, गेट टू नो ईच अदर, ओह माय गॉड, फिर से यूनियन है, गेट टू नो ईच अदर, जब आएंगे ना तो इनको इनको जो भी बातें हैं क्लियर, क्या चाहिए आपको इस रिश्ते से, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते से, क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, एकदम क्लियर। ये जो ऑन एंड ऑफ है, ब्लॉक करना है अनब्लॉक करना, ये सब नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली इनको बोलिए कि नहीं चलेगा। अगर यही एनर्जी इनकी रहेगी तो फिर आप इनसे मूव ऑन करने का देखिए, ठीक है, आप मतलब ऐसे कोई इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये इंसान ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं कि आपके दिल में कोई और है। यस, मैं ये बोल रही थी कि साइंस आप दोनों को ही मिल रहे होंगे, हार्ट शेप बहुत दिखना, फीडर्स बहुत दिखना, ठीक है, नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स बहुत दिखना, और फिर सपने में, ड्रीम्स में आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, या फिर ड्रीम्स में इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि इनको आपके पास जाना है, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स या फिर इनके नाम के इनिशियल्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, इनके मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर इनको बहुत दिख रहे होंगे, तो ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें इनको दिख रही हैं, कुछ साइन ऐसे दिख रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है कि इनको आपके पास जाना है वापस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मैसेज ज़रूर चेक करेंगे कि क्या ये बोलना चाहते हैं और क्या ये आके बोलेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आके क्या बोले इंसान आपसे, ठीक है। और जिनको भी कॉल मैसेज आएगा वो मुझसे ज़रूर शेयर करना, अदरवाइज़ मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है। मैं हमेशा प्रे करती हूँ, मैं अभी भी कैंडल जला रही थी तो मैं यही प्रे कर रही थी कि महादेव प्लीज़ सबको, सबका रियूनियन करा दीजिए, मेरे व्यूवर्स बहुत परेशान हैं, मैं हमेशा ही मांगती हूँ आप लोगों के लिए। तो जिनको भी कॉल मैसेज आए वो मुझसे ज़रूर शेयर करना, करते हैं आप लोग, आई नो, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे शेयर करते हैं। कुछ ऐसे व्यूवर्स भी मेरे हैं जो सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपको कॉल मैसेज कुछ आए तो ज़रूर मुझसे शेयर करना, ठीक है। मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, आई एम सो सॉरी, मेरे से हो नहीं रहा है, मतलब एक ना आवाज़ एनर्जी नहीं है ज़ोर से बोलने की, तो मैं साउंड बढ़ा दूँगी, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, इनकी सिचुएशन आप समझिए, इनको प्रॉब्लम हो रही है आने में, इनको अपना समझ नहीं आ रहा किस तरह से आएँ, तो आप समझिए और आप आ जाइए, ऐसा कहना है इनका, लेकिन आप जाइएगा मत, ठीक है। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़, तो ये इंसान ऐसे हैं ना कि अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, ठीक है, प्यार बहुत करते हैं लेकिन इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। यू नो द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, मतलब इमोशंस जैसे नहीं हैं ऐसे दिखाएंगे, लेकिन बहुत इमोशन अंदर रखे बैठे होंगे, लेकिन इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, ठीक है। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी, तो इनको इतना समझ में नहीं आता कि इतना डीप कनेक्शन आपके साथ है, ठीक है। जब आपसे अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तब इनको समझ में आए हैं कि अच्छा आपके साथ तो कुछ और ही कनेक्शन है, ठीक है। माय गुडनेस, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, तो मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इनको अब इनकी जो एक होती ना आशा बची होती है, कुछ एक उम्मीद बची होती है, इनकी उम्मीद बची नहीं, ख़त्म हो गई है, इसलिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि क्या ये कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से आपके पास आ सकते हैं।
तो ये 24 घंटा ये जो है जरूर से स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और आपके पास आने की कोशिश जरूर करेंगे। आई लव एवरी थिंग अबाउट यू, तो अभी आपका इनको सब कुछ पसंद है, ठीक है, वापस आना होता तो सब कुछ पसंद आता है इनको, तो ये जो है अभी सब कुछ आपको पसंद है, एवरी थिंग, आपका गुस्सा होना, रूठ ना, मना ना, झगड़ा करना, यू नो, सब कुछ। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देखा मैं बोली ना कि इनको ऐसा है कि अब आप इनको यू नो नहीं करोगे, आप एंटरटेन नहीं करोगे, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन लव, तो इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके लाइफ में, ठीक है, ऐसे कि यू नो आपसे भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो मे बी किड्स के चलते या तो ये नहीं आ रहे हैं इंसान, या फिर आपके हैं या फिर इनके हैं, तो कुछ ऐसा है जो कि ऑब्स्टिकल इनको लग रहा है कि नहीं इस वजह से ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूर है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे माई डियर व्यूवर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस जरूर मिली हो, जो गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग में प्लीज़ उसे फॉलो करें और अपने से अपने पार्टनर के पास मत जाएं, वेट करें उनका, वो नहीं भी अगर आएँ 24 आवर्स में तो आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा उनसे आपको, ठीक है, वेट करें, पॉजिटिव रहें और वेट करें, अपने ऊपर फोकस करें। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।